हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मैंगो केक। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये डेढ़ आम ले लिया है, बड़ा आम ले लिया है और उसको इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ठीक है, और ये मैंने 3 टेबलस्पून शुगर ली है, 4 मैंने लिए हैं हरी इलायची के दाने। ठीक है, और 1 कप हमने ले लिया है फुल फैट क्रीम मिल्क ले लिया है, और ये आपने ले लिया मिल्क मेड, 3 टेबलस्पून मिल्क मेड लेना है, और 1/2 बाउल हम लेंगे आटा व्हीट फ्लोर। ठीक है, तो ये हम एगलेस केक बना रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि हम मैंगो और शुगर और ये हरी इलायची इसमें से निकाल के तीनों को मिक्सी में पीस लेंगे एक साथ। फ्रेंड्स, इसमें मैंने अपना ये मैंगो और शुगर और इलायची मैंने दाने निकाल लिए हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिक्सी जार में पीस लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने ये मिक्सचर बना लिया है। ठीक है, और ये थोड़ा सा मिक्सचर मैंने लगभग 2 टेबल स्पून के लगभग मैंने ये निकाल लिया है थोड़ा सा। ये हम बाद में डेकोरेशन के काम में यूज़ करेंगे, और ये हमारी मिक्सचर तैयार होगी जिसमें मैंने मैंगो शुगर और इलायची डाली है हरी वाली। ठीक है, तो अब हमारे को क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ये हम अपना जो आटा है ये हम इसमें डाल लेंगे। ठीक है, इसमें हम डालेंगे अपना ये मिल्क मेड। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे अपनी ये मैंगो प्यूरी, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्सचर अच्छे से बन गया है फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ठीक है, अब इसमें मैंने ये लिया है 1/4 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट हम इसमें डालेंगे। ठीक है, और 1/4 ही आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड करके मिक्स कर दिया है। ठीक है, और ये हमने लिया है ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, और ये हम थोड़ा सा मिल्क इसमें ऐड कर देते हैं फॉर कंसिस्टेंसी, और इसे मिक्स कर लेते। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा मिक्सचर तैयार है। ठीक है, इसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, और मैंने मिल्क जो है सिर्फ इतना ही यूज़ किया है, और ये मैं 3 लोगों के पर्पज़ के हिसाब से ही केक बना रही हूँ, तो मेरे इंग्रेडिएंट्स उसके हिसाब से ठीक हैं। तो आप कंसिस्टेंसी जैसे आपको लगेगी उस हिसाब से आप मिल्क इसमें ऐड करिएगा। ठीक है, तो हम इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं, उसके बाद हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये है हमारा एयर फ्रायर। ठीक है, इसको हम प्री हीट के लिए रख देते हैं फॉर 5 मिनट्स एट 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्री हीट के बाद हम इसके अंदर अपना, फ्रेंड्स देखिए हमारा एयर फ्रायर प्री हीट हो गया है। ठीक है, इसमें मैंने ये ले लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल, इसको मैं ब्रश की हेल्प से वहाँ नीचे इसमें लगा लेती हूँ। ठीक है, ये लगाने के बाद आप इसमें थोड़ा सा आटा डालें। ठीक है, एयर फ्रायर में ये मैं इसमें इसलिए करती हूँ ताकि हमारा केक नीचे चिपके नहीं। ठीक है, हल्का सा आटा आप इस तरीके से डालें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको तैयार कर लिया एयर फ्रायर के बास्केट को, और ये है मेरा बटर पेपर, ये मैं इसके अंदर डालकर इसके ऊपर अपना बैटर जो हमने बनाया है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ही मैंने बैटर इसमें डाल दिया है। ठीक है, इसको एक दो बार आप टैप टैप कर दिए ताकि इसमें से हवा निकल जाए। ठीक है, और इसको हम रख देते हैं इस एयर फ्रायर में, ट्रांसफ़र कर देते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बैटर अपना इसमें डाल दिया है। ठीक है, और हम अपने एयर फ्रायर को करीबन 25 मिनट्स और 200 डिग्री सेल्सियस पे लगा देते हैं। आप इसको बेक भी कर सकते हैं, यू कैन बेक इट ऑल्सो, और मेरे पास तो एयर फ्रायर है तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ। ठीक है, आप उसमें बेक करके भी इसे बना सकते हैं। अब देखते हैं आफ्टर 25 मिनट्स हमारा केक कैसा बनते हैं, तब तक के लिए वेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है, लेट अस चेक कैसा बना है हमारा केक। वाओ, लवली। ये देखिए फ्रेंड्स, केक हमारा बहुत अच्छा बना है। ठीक है, अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक प्लेट में। फ्रेंड्स, ये देखिए कि हमारा केक है, ये मैंने थोड़ी देर के लिए इसको कूल कर लिया था। ठीक है,
और ये मैंने लिया है क्रीम, क्रीम में मैंने थोड़ा सा मिल्क मेड इसमें मिला लिया है, ठीक है। और ये हमने ले लिए कुछ मैंगो ऐसे छोटे छोटे पीसेस काट के, और ये हमारा स्टार्टिंग में जो मिक्सचर था ये वही है। और ये मैंने लिया है चॉकलेट, चॉकलेट के अंदर मैंने थोड़ा सा बटर मिलाया है और इसको मेल्ट कर लिया है, ठीक है। फैंसी क्रीम वाले मिक्सचर्स को हम इस तरीके से इस पर पूरा स्प्रेड कर लेंगे, ठीक है, चारों तरफ आप इसको इस तरीके से स्प्रेड कर लें, ठीक है। फ्रेंड्स ये क्रीम इस पर स्प्रेड करने के बाद क्रीम वाला मिक्सचर हम, ये जो हमने प्यूरी निकाली थी मैंगो प्यूरी स्टार्टिंग में मिक्सचर, ये हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसको इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर लें प्यूरी को चारों तरफ, एक ही डायरेक्शन में कर दें लास्ट में। फ्रेंड्स उसके बाद मैंने ये जो हमारा मिक्सचर था है इसकी हेल्प से मैंने एक राउंड सर्कल बना लिया है, ठीक है। आप भी इसको इस तरीके से बना लें, और ये जो सर्कल है इसके ऊपर हम अपने ये जो मैंगोज हैं ये इस पर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। डेकोरेशन के लिए आप इसको इस पर लगाएँ, ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसके ऊपर मैंगो अपने सारे ट्रांसफ़र कर लिए हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ये देखिए ये मैंगो डालने के बाद मैंने इसके सेंट्रल पार्ट में मैंने ये जो लिया था चॉकलेट लिया था बटर के साथ मेल्ट करके वो सेंटर में डाला है, और ये जो हमने क्रीम ली थी क्रीम को हेल्प से मैंने ये एक स्माइली बनाई है और दो आइज बनाई है, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल आउटपुट, ठीक है, और ये मेरा केक बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स इसको अब आप कुछ आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए, ठीक है, और आधे घंटे के बाद आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ खाइए इस केक को, और इस रेसिपी को प्लीज़ एक बार ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।